नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जमीन का मुआवजा सरकारी रेट पर मिलता है या फिर मार्केटिंग रेट पर मिलता है। तो दोस्तों इसी को जानेंगे, और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए अगली जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों इस तरह की बात है कि आपका सवाल है मुआवजा को लेकर, जमीन का मुआवजा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जमीन मुआवजा की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि कोई जमीन है किसी व्यक्ति का, और उस जमीन पर सरकार जो है किसी अपने कार्य को करना चाहती है, जिसके लिए उन्हें जमीन की आवश्यकता है और वह भूमि अधिग्रहण करते हैं। भूमि अधिग्रहण का मतलब कि आपका जो जमीन होता है उस जमीन की पैमाइश करके वो आपसे लेते हैं, बदले में उसका मुआवजा आपको सरकार देती है। तो मुआवजा जो देती है वह मुआवजा कौन से रेट बेस पे रहता है, मतलब कि सरकारी रेट के अनुसार, या फिर मान लीजिए कि जो मार्केटिंग रेट जमीन का चल रहा होता है उस रेट पे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपका भूमि अधिग्रहण किया गया है तो ऐसे कंडीशन में ये सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपका क्षेत्र कौन सा है, शहरी है या फिर ग्रामीण है। अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वह जमीन ग्रामीण क्षेत्र का है, तो उसमें देखा जाता है कि उसका जो सर्किल रेट है उसका 4 गुना पे किया जाता है। सर्किल रेट का 4 गुना आपको मुआवजा दिया जाता है ग्रामीण क्षेत्र के भूमि का। अगर उसी में मान लीजिए कि वह शहरी क्षेत्र का जमीन है तो शहरी क्षेत्र में जो उसका रेट होता है सर्किल रेट, उस सर्किल रेट से 2 गुना दिया जाता है। तो ये कंडीशन है, अगर मान लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र का है तो 4 गुना सर्किल रेट के अनुसार, अगर शहरी क्षेत्र का है तो 2 गुना सर्किल रेट के अनुसार। तो इस तरह का मुआवजा तय किया जाता है और दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।